आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑन सीमेंट एट साइड या सीमेंट क्वालिटी टेस्ट। तो पहला पॉइंट है कलर यूनिफॉर्म। सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ग्रे। दूसरा है सीमेंट के बैक पे ISI मार्क होना ही चाहिए। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। सीमेंट के बैक पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होनी चाहिए और सीमेंट को हम विथिन 3 मंथ ही यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आज सीमेंट बना है तो ये 3 महीने के अंदर ही इस्तेमाल होनी चाहिए, इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। अगला है लम्स टेस्ट। हम देखते हैं सीमेंट में छोटे छोटे लम्स तो नहीं बनने लगे। उसमें अगर लम्स बनने लगे इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कहीं से आ गया है और वो सीमेंट खराब होना शुरू हो गया है। अगला है फ्लोर टेस्ट। इससे हम देखते हैं कि अगर पानी में ऊपर सीमेंट आके वो हो जाए, घुल जाए, तो मतलब बेकार सीमेंट है, बेकार क्वालिटी की सीमेंट है। अगर वो सीधा जमीन में चला, मतलब गिलास के तल में बैठ जाए, तो वो बेस्ट क्वालिटी की सीमेंट है। अगला है टेम्परेचर टेस्ट। इसमें हम सीमेंट को छू के मुट्ठी में लेके देखते हैं कि टेम्परेचर कैसा है सीमेंट का। अगर टेम्परेचर हाई है इसका मतलब उसमें मॉइस्चर किसी भी तरीके से है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, उसमें हीट हाइड्रेशन तेज होने लगता है और सीमेंट बेकार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट मतलब सीमेंट कितना बारीक है, ये हम मशीन की मदद से करते हैं। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट मतलब सीमेंट हार्ड होने के बाद उसमें कोई क्रैक ना है और डिसइंटीग्रेट ना हो। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हम सीमेंट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं साइट पे या नॉर्मली कहीं पे भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।